चैनल गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे एक्वेरियम को, मेरा एक्वेरियम इस टाइम तो फुल समझ सही चल रहा है एकदम, क्योंकि इसका जो वाटर लेवल एमोनिया लेवल था वो भी सही है। आप देख रहे होंगे मेरे एक्वेरियम में इस साइड थोड़ी सी एल्गी लग गई है। ये एल्गी फिश के लिए अच्छी होती है, तो ये एल्गी भी सही रहेगी। मेरी कुछ फिश इसमें से प्रेग्नेंट है जो जल्द से जल्द बेबी दे देंगी अपनी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मौली के जो बेबी होते हैं ना, जल्दी दिखते नहीं, तो इनको फ्राई कहते हैं। तो दिखते नहीं है, इतने छोटे होते हैं, कुछ साइज आने के बाद ही इनको दिखेंगे। इनके तो कभी कभी दिख भी जाते हैं। गप्पी फिश ऐसी होती हैं जिनको कभी नहीं दिखते, जो कि मुझे गप्पी फिश लाने हैं, लाएंगे तो डाल देंगे। इस टैंक में 10 गप्पीज आराम से रह लेंगी, और एक बीटा फिश भी जा रही है जो कि वो भी लाना है। अब फिश ज़्यादा हो गई हैं, फिल्टर मैंने दो दो लगा दिए हैं। इससे क्या होता है कि एल्गी फॉर्म भी थोड़ा अच्छा रहता है। अमोनिया लेवल तो कम रहता है, लेकिन एल्गी जो आती है वो बेटर रहती है। एल्गी होना चाहिए एक्वेरियम में, बिना एल्गी के आप एक्वेरियम आपका सही नहीं हो पाएगा, जो कि फिश हमेशा खाती रहती हैं एल्गी। आइए हम आपको अपनी बर्ड्स दिखाते हैं। ये हमारी बर्ड्स देखिए, इनका एक बेबी हुआ था जो भी डेड कर गया। सिर्फ इसमें 7 बर्ड्स हैं, जिनमें से फीमेल ज़्यादा हैं, एक मेल की ज़रूरत है, वो भी मेल ला के मैं डाल दूँगा। आइए चलिए मैं आपको अपना एक्वेरियम दिखाता हूँ। ये वाला, ये एक्वेरियम में मैंने सॉयल और पावर सैंड डाली है। अब पावर सैंड को आप देख ही सकते हैं, पावर सैंड कैसी होती है, जो कि देखिए चमक रही है पावर सैंड। ये पावर सैंड है, सॉयल है, सॉयल अभी 5 kg और लगेगी। आपको लग रहा होगा इतना ही पार्ट इसमें है, लेकिन इसमें सॉयल अभी और लगेगी, क्योंकि 5 kg, क्योंकि कुछ पावर सैंड के ऊपर भी लाना पड़ेगा हमें कुछ सॉयल को। तो जब हो जाएगा तभी हम आगे इसमें लगाएंगे कुछ। और क्या बताएं आपको, सब कुछ तो सही चल रहा है मेरा। मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, और बताइए कि इसमें से हम कौन से प्लांट नेचुरल प्लांट्स लगाएं, लोटस के या पहले ग्रास पर। ग्रास तो पहले लगाएंगे, लोटस के, और इसमें से रॉक की साइज़ क्या यूज़ करें, जिसमें कुछ रॉक यूज़ होंगे साइड में, कुछ उस कॉर्नर में यूज़ होंगे, कुछ उस कॉर्नर में और कुछ इस कॉर्नर में भी रहेंगे। मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। अल्लाह हाफिज़।